नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया के बारे में। दो अपडेट बात करेंगे, सरकार ने कुछ नंबर जारी किए हैं, कोई शिकायत हो तो उन पर कॉन्टेक्ट करिए। सेकंड बात हम वीज़ा से रिलेटेड करेंगे, री एंट्री एग्जिट वीज़ा पे। जी हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर ले भाई। फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं भाई। देखिए, आपको पता है वी सरकार का लंबे समय से फ्लाइटें बंद हैं, इस वजह से सरकार समय समय पे आपकी जो वीज़ा हैं, जो लोग छुट्टी आए हुए हैं, किसी वजह से फंसे हुए अपने देश में, सऊदी जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए जो री एंट्री वीज़ा एंट्री बोल सकते हैं, उनमें समय ख़त्म होता जा रहा है वीज़ा में, उनकी सरकार ने डेट बढ़ा दी है। जी हाँ, 31 जुलाई कर दी है भाई। एक महीना, ये जून चल रहा है, आगे वाला एक महीना पड़ा है, इतने में उम्मीद है कि भाई फ्लाइटें स्टार्ट हो सकती हैं, तो आप आराम से जा सकते हैं। तो री एंट्री आपकी वीज़ा में बढ़ा दी गई है, वो अपने आप आपके पासपोर्ट में बढ़ जाएगी, क्योंकि 6 महीने के बाद में वीज़ा एक्सपायरी समझ सकते हैं, तो उसमें री एंट्री बढ़ा देगी सरकार, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। आगे हम बात कर लेते हैं भाई सऊदी सरकार में, सऊदी में जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए ध्यान देने की बात है कि भाई अगर आप कुछ गलती करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, और दिक्कत का समाधान के भी एक नंबर दिया गया है। जी हाँ, शिकायत, आपको किसी भी प्रकार की शिकायत करनी है, शिकायत में बता दूं सऊदी अरब की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हाल ही में एक विशेष अभियान चलाया। जी हाँ, अभियान में उन्होंने बोला है कि जो कानून का उल्लंघन करेगा, कानून का उल्लंघन सऊदी में पता है सकता ही है भैया, भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जेल भी होगी, जुर्माना भी लगेगा, उनको आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लाखों लोगों को आने वाले 3 से 4 सालों में सऊदी में, जो पीछे वाले 3 से 4 साल गए हैं उनमें लाखों लोगों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाया, उनको ब्लैक लिस्ट करके उनको अपनी कंट्री भेजा, ये उनका एक टारगेट है कि भाई शांति व्यवस्था बनाए रखें। जी हाँ, अगर आपको रहने में जैसे दिक्कत आ रही है, रेजिडेंशियल से रिलेटेड रहने में कोई दिक्कत आ रही है, कानून से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वर्क रेगुलेशन काम से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है आपको, या घुसपैठ, सऊदी में सबसे बड़ा घुसपैठ का मैटर चल रहा है भाई, आसपास के दो देशों के लोग हैं वो घुस जाते हैं सऊदी के में, तो ये घुसपैठ वाला सिस्टम आपको बचाना है। 3-4 तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ में क्रिएट होती है तो मैं बता दूं आपको, एक नंबर है जो बता दूं, मक्का और रियाद के लोग हैं उनके लिए नंबर है 911, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, हॉटलाइन नंबर है। बाकी जो सऊदी के लोग हैं उनको बता दूं 999999999 पे आप कॉल करके, अगर आपको इन तरह इसमें से कोई भी समस्या है तो आपकी समस्या का समाधान आप करवा सकते हैं, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सऊदी में ये प्रॉब्लम, सऊदी सरकार नहीं चाहती कि यहाँ पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि उनका जो हर तरह के सिस्टम बदलते जा रहे हैं विजन 230 के हिसाब से अगर देखा जाए तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि भाई ये बातें अगर आपके साथ होती हैं तो इन नंबर पे आप समाधान करवा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ में। जय हिंद, जय